एक गेम खेले हम। ये कहानी दुनिया की सबसे बड़ी चोरी की है। तो फिर ये भी है कि वो अचानक गायब हो गया। हो सकता है कि ये मैं आखिरी बार तुमसे बात कर रहा हूं। फाइनल दोस्तों, बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फ्रेंचाइजी धूम के अगले पार्ट यानी धूम 4 से जुड़े कुछ लेटेस्ट अपडेट सामने निकल कर आए हैं, जिसे जानने के बाद आप भी काफी खुश हो जाओगे। जी हाँ दोस्तों, जब से इस फिल्म का अनाउंसमेंट हुआ है तब से यह फिल्म चर्चा का विषय बनी हुई है। तो आज के इस वीडियो में इसी फिल्म की रिलीज से जुड़े सभी लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे और साथ ही ये फिल्म हम लोगों को कब तक देखने को मिलेगी इस बारे में भी बात करेंगे। तो अगर आप भी इस फिल्म की रिलीज का इंतजार कर रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे भी आपको इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। धूम 4 अपकमिंग एक्शन एडवेंचर थ्रिलर फिल्म है। यह फिल्म काफी लंबे समय से चर्चा में बनी हुई है और जब से यह अनाउंसमेंट हुआ है कि इस फिल्म में रणवीर कपूर लीड रोल में नजर आएंगे तब से ही हर किसी के माइंड में यही चल रहा है कि इस फिल्म में उनके अपोजिट कौन सी एक्ट्रेस नजर आएंगी। और अब फाइनली एक सूत्रों से पता चला है कि इस फिल्म में रणवीर कपूर के अपोजिट कियारा आडवाणी लीड रोल में नजर आ सकती है। वहीं सपोर्टिंग रोल में सरवरी बागा भी नजर आएंगी। अभी इस बात पे तो पक्की मोहर नहीं लगी है, लेकिन सूत्रों की माने तो मेकर्स ने इन्हें अप्रोच किया है। अब देखना होगा मेकर्स इस बात की ऑफिशियल अनाउंसमेंट कब तक करते हैं। वहीं इन सब के बीच साउथ सुपरस्टार सूर्या की भी बातें चल रही हैं। तो अब देखना यह भी है कि सूर्या इस फिल्म में किस रोल में नजर आएंगे। वहीं बता दूं कि मेकर्स ने यह कंफर्म कर दिया है कि इस फिल्म को बिग स्केल पे बनाने वाले हैं, जहां पे इस फिल्म का स्केल हॉलीवुड की एक्शन फिल्मों जैसा होने वाला है। और सुनने में यह भी आया है कि इस फिल्म की शूटिंग अगले साल के अंत तक स्टार्ट हो जाएंगी और फिर इसके एक साल बाद ये फिल्म हम लोगों को थिएटर्स में देखने को मिल जाएगी, जहां पे इस बार मेकर्स इस फिल्म को पैन इंडिया सभी भाषाओं में रिलीज करेंगे। अब देखना होगा ये फिल्म कब तक बॉक्स ऑफिस पे रिलीज होती है और इसके बाद ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे क्या क्या रिकॉर्ड बनाती है और साथ ही ये भी बताए कि ये फिल्म कब तक रिलीज होंगी। तो ये थी इस फिल्म की रिलीज से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट। आप क्या इस फिल्म की रिलीज का इंतजार कर रहे हैं तो हमें कॉमेंट्स करके जरूर बताएं। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।